नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 News। आज एक खास मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, वो खास मुद्दा है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 2 तारीख यानी कि 2 अप्रैल को हिंसा हुई और उस हिंसा में किस तरीके से पूरा मध्य प्रदेश जलता रहा। यानी कि अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है तो उसमें दोष आखिर किसका है। हालांकि जिस तरीके से दलितों ने, संगठनों ने रोड पर आके चक्का जाम किया, और यही नहीं, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर मौतें भी बहुत हुई हैं, और इसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर लापरवाही हुई है तो वो प्रशासन लेवल पर कोताही नहीं बरती गई। अगर जिस राज्य में इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं, तमाम तरह की पुलिस होती है, ऐसे ऐसे उपकरण होते हैं जिसके जरिए पता चल जाता है कि आने वाले दिन में या कल क्या घटना होने वाली है। अब आप समझिए कि मध्य प्रदेश के हालात किस तरीके के हो रहे हैं। हालांकि इन चीज़ों से किसी चीज़ से मतलब जोड़ना ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले से CM शिवराज सिंह चौहान के ऊपर तलवार लटक रही है, क्योंकि चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो किसी आंदोलन का मुद्दा हो या फिर घोटालों का मुद्दा हो, उस मुद्दों पर CM यानी कि शिवराज सिंह इस तरीके से उलझ चुके हैं कि अब मध्य प्रदेश के अंदर सियासत जो है वो बहुत गड़बड़ाती हुई दिख रही है। अब ये दंगे होने के बाद जिस तरीके से दलितों ने आंदोलन किया और दंगे भड़के गए, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, कई सिटी में इस तरीके के दंगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक वेबसाइट की खबर के मुताबिक मैं बताता हूँ कि मंत्रियों ने, शिवराज सिंह के मंत्रियों ने खुद माना है कि जो दंगे हुए हैं, जो प्रशासन आला कमान की एक जो ढिलाई थी उसकी वजह से जो हालात हुए, जो हालात को थामा नहीं जा सका, वो जो हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए वो सिर्फ प्रशासन के ढिलमुल रवैये की वजह से हुआ है। मैं आप तो आपको ख़ास तौर पर बताऊंगा कि सोमवार को जब ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद विरोध में, उसके फैसले के बाद दलित बंद के दौरान ग्वालियर में बिगड़े हालातों के मामले में नागरीय विकास मंत्री माया सिंह ने नया खुलासा किया। कैबिनेट के ठीक बाद की औपचारिक चर्चा में उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि स्थानीय स्तर पर कलेक्टर और SP देर से हरकत में आए, जिसके कारण स्थिति बिगड़ चुकी है। यानी कि मध्य प्रदेश के जो नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने, माया सिंह ने खुद CM शिवराज सिंह चौहान से इस बात की शिकायत की कि जो पुलिस प्रशासन है वो प्रदर्शनकारियों के दौरान बिल्कुल मजबूती के साथ हरकत में नहीं आया, इसीलिए मध्य प्रदेश के हालत बिगड़ गए। और मध्य प्रदेश के हालत बिगड़ने के बाद जो एक प्रारूप, जो एक तस्वीर आई सामने, उसमें सिर्फ यही लग रहा है कि जिस तरीके से, क्योंकि विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को भुनाना नहीं भूलेगा, और यही जो राजनीति होती है दंगों की ही होती है। अगर दंगे होते हैं तो क्यों होते हैं, ये राजनीति की ही देन है। अगर, क्योंकि उन मासूमों को क्या पता कि ST SC एक्ट होता क्या है। वो, हालांकि इस तरीके से अगर बात की जाए कि एक गांव का व्यक्ति, अगर ये सच्चाई है, अगर आप जमीनी स्तर पर इस देखेंगे तो ST एक्ट सिर्फ उनको ये पता है कि एक कानून होता है जिसमें बहुत, हालांकि ये चीज़ें पता उसी को होगी जो एक मैच्योर आदमी होगा, जो इन चीज़ों से मतलब रखता होगा, तो उसको मालूम होगा कि हम जैसे दलित हैं, इनकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर इनको प्रताड़ित किया जाता है तो कानून में ऐसा प्रावधान है कि इस तरीके का प्रावधान है
कि अगर कोई हमला करता है, कोई छेड़छाड़ करता है, तो उसके खिलाफ़ शिकायत दर्ज करवाने पर थाने में उसकी जमानत जब्त हो जाती है, जमानत नहीं होती है। तो इन तरीके के कानून के बारे में उनको अच्छे से मालूम, और जिन लोगों के, जिन 16 17 या यूँ कहें कि 10 साल 12 13 साल के बच्चों के पास हाथी हथियार, जो करके हथियार लिए घूम रहे हैं रोडों पर, और वो अगर हिंसा भड़काने में सहयोग बनते हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ उनको बलगराने का काम किया गया होगा। सिर्फ उनको सिर्फ ये बताया गया होगा कि आपको आज कांड करना है। मैं आपको बता दूं कि आखिर शिवराज सिंह के मंत्री ने क्या बोला, कि किस तरीके से दंगों के दौरान ढिलमुल रवैया अपनाया गया था मध्य प्रदेश के अंदर। उन्होंने कहा था कि मैं खुद सुबह फोन करके पूछा तो प्रशासन द्वारा बताया गया कि सब ठीक चल रहा है। मैंने यह भी कहा कि क्या मैं भोपाल जाऊं, तो कलेक्टर ने कहा आप जाइए। इसके बाद कुछ और मंत्रियों ने इंटेलिजेंस के फेल होने और प्रशासनिक हमले के गैर जिम्मेदाराना रवैयों को लेकर गुस्सा जाहिर किया। माया सिंह ने बताया कि शताब्दी ट्रेन 11:30 बजे जब अपने शिवराज सिंह चौहान फोन किया था तो हालातों का पता चला। सीएम को विधायकों और सांसदों ने प्रशासनिक हमले की शिकायत की। मंत्रियों के अलावा सीएम को विधायकों व सांसदों ने प्रशासनिक हमले की शिकायत की। उन्हें बताया गया कि ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर के घर के बाहर ऑटो में दो लड़कियों के साथ जब अप्रिय हालात बने तो उन्हें ले जाकर एक अधिकारी के घर में शरण दी गई। कई जगह तो 11 बजे तक 5-6 पुलिसकर्मी ही मौजूद थे। हाईकोर्ट जज के घर बाहर भी यही स्थिति थी। बाद में सीएम ने रुस्तम सिंह समेत अन्य मंत्रियों को ग्वालियर भेजा। सीएम ने सभी मंत्रियों से कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता शांति बहाल करने की है, इसलिए सभी मंत्री प्रभार वाले जिलों में जाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिर किए जा रहे पर्याप्त इंतजामों को देखें। और फिर डबरा में रातों रात मूर्ति बदल दी जाती है। आपको मैं बता दूं कि पुलिस की सूचना तंत्र की स्थिति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डबरा में रात में जेसीबी से एक मूर्ति तोड़ दी गई। जब प्रशासन को पता चला तो रातों रात आगरा से मूर्ति मंगवाकर उसे स्थापित कराया गया। एक संगठन पर भी संदेह, हिंसक गतिविधियों में लिप्त लोगों के एक संगठन की भूमिका पर भी संदेह किया जा रहा है। इस संगठन में जुड़े लोग बंद के दिन शासकीय व्यवस्थाओं से दूर थे। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का जो मसला देखा जा रहा है कि अगर जिस, क्योंकि अगर भारत बंद है और दलितों का प्रदर्शन होना है, आंदोलन होना है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन लेवल पर पुख्ता इंतजाम होने चाहिए शहर के अंदर, कि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को लगाया जाना चाहिए। लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हुई। क्या क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या जनता को जवाब दे पाएंगे कि मेरे शासनकाल में आखिर हो क्या रहा है? किस तरीके से प्रशासन लेवल ही मजबूत नहीं है तो आपने मुख्यमंत्री पद क्यों रखा है? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि अब हालात ये हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की खस्ता हालत हो सकती है। हो सकता है बीजेपी की सत्ता फिर से लौट कर ना आए, क्योंकि पॉलिटिकल अगर नज़रिए से देखेंगे तो हालात इसी टाइप के बन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की जो खबर है जिसमें नर्मदा घोटालों को घोटाला रथ यात्रा निकालने का ऐलान करने वाले बाबाओं को मिला राज्य मंत्री का दर्जा, मिलेगी कई सरकारी सुविधाएं। अब आप देख लीजिए कि राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। कंप्यूटर, आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर बाबा योगेंद्र महंत दी जी थी संत समाज के साथ मिलकर आंदोलन की चेतावनी दी। नर्मदा घोटाला यात्रा का क्या होगा, क्या पौधे गिनोगे? आपको मैं बता दूं कि पिछले साल 2 जुलाई को 6 करोड़ पौधे लगाने के दावे महाघोटाला करार देकर नर्मदा घोटाला रथ यात्रा निकालने का ऐलान करने वाले 5 बाबाओं को सरकार ने राजमंत्री के दर्जे से नवाजा है। इन्हीं बाबाओं के नेतृत्व में 28 मार्च को संत समाज के साथ बैठक में फैसला लिया गया था कि प्रदेश के 45 जिलों में 6 करोड़ पौधे की गिनती कराई जाएगी। अब सरकार के राज्यमंत्री बनने की बाबाओं के स्वर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि अब हम घाटों पर जनजागरण करने जाएंगे। ये वही बाबा हैं जो कहीं ना कहीं नर्मदा घोटाले में संलिप्त रहे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की कार्यकाल में ये व्यापम घोटाला है, अब नर्मदा घोटाला, इस तरीके के जो घोटाले हैं
वो कहाँ है, कहीं ना कहीं नज़रों में, यानी कि जो जनता है, जनता के दिमाग में ये चीज़ें फिर बैठी हैं। और अब क्या कर पाएगी बीजेपी आने वाले दिनों में? बहुत ज़्यादा इस तरीके का जो षड्यंत्र देखने को मिल रहा है, और शिवराज सिंह चौहान को लेकर के तो सरकार और बीजेपी के अंदर भी यही कहीं ना कहीं मनसा भरी हुई है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर जनता में बहुत रोष है। या तो मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए, या फिर मुख्यमंत्री, अगर अगर कंडीशन ये है कि अगर बीजेपी जीतती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता का रुख साफ है कि अब की बार परिवर्तन होगा है। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सत्ता फिर से आएगी या नहीं, ये सवालों के घेरे में। आज के लिए इतना, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।